अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। यस बेटा, नाउ स्टार्ट सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 फॉर बोथ क्लास 9 एंड मैट्रिक। द नेम ऑफ चैप्टर इज मेजरमेंट। जो आपके चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड टू सी हाउ मेनी टाइम इट इज बिग और स्मॉल। हाउ मैनी टाइम इट इज बिग और स्मॉल एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड। इट्स मीन, अब इस बात को समझें कैसे कि सर मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या सामने आ रही है। मैंने आपके सामने एक डेफिनेशन को यहाँ पे मेंशन किया और उसमें फिर आप इस चीज़ को समझते हैं कि बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। बट कोई भी चीज़ हमारे पास, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, फॉर एग्जाम्पल मास, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम, ये फिज़िकल क्वान्टिटीज़ हैं आपके पास। अब ये फिज़िकल क्वान्टिटीज़ जो हैं, ये किस तरीके से अपने स्टैंडर्ड से आप इन्हें कंपेयर करने जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, जैसे मैंने मेंशन किया कि स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ मीटर है फॉर एग्ज़ाम्पल, बट आपके पास जो गिवन वैल्यू है वो इन दिस सेंटीमीटर है। तो आप कंपेयर कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड से वो कितनी ज़्यादा बड़ी है और कितनी छोटी, यानी कि एज कम्पेयर हाउ मेनी टाइम इट इज़ बिग और स्मॉल एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड। तो ये चीज़ आप वहाँ पे कंपेयर कर रहे होते हैं कि कोई वैल्यू आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो यू कंपेयर इट कि हाउ मेनी टाइम इट इज़ बिग और स्मॉल विद स्टैंडर्ड वैल्यू, कि स्टैंडर्ड वैल्यू से आप उसे कंपेयर करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। ये आपके पास मेजरमेंट है, ठीक है। वेरी सिंपल क्राइटेरिया और डेफिनेशन आपके सामने बेटा मेंशन कर दी है। चैप्टर नंबर 2 आप स्टडी करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है मेजरमेंट और वहीं से मैंने अपनी बात शुरू कर दी है। मैं यहाँ पे ऊपर भी बोर्ड पे भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। नाउ वी कंसीडर द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ एंड स्टैंडर्ड ऑफ टाइम एंड स्टैंडर्ड ऑफ मास। पहले हम इन तीन चीज़ों के स्टैंडर्ड को कंसीडर करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ मीन यूनिट ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ मीन्स यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ के जो यूनिट है, लेंथ जो स्टैंडर्ड है वो आपके पास है मीटर, नॉट अ सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ओनली मीटर। इट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। इट्स मीन अगर आप किसी भी लेंथ की वैल्यू को कंपेयर करवाते हैं स्टैंडर्ड से तो स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ इट्स मीटर, ओके। अब इट डिफाइन, इट इज डिफाइन एज लेंथ, अगर मीटर डिफाइन करें, ये पार्ट ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवेल ऑफ दिस टाइम दिस वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि इतना पार्ट सेकंड का, इतना पार्ट ऑफ अ सेकंड, यानी कि ये जो आपके पास पार्ट सामने आ रहा है ये इतना पार्ट होगा आपके एक सेकंड का, और उसमें जब लाइट ट्रेवल करेगी, लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ दिस वन ऑफ अ सेकंड, सेकंड का भी ये पार्ट, तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। उसे हम कहेंगे दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, कि इस तरह हम उसे कैलकुलेट करेंगे। और लाइट बहुत ट्रेवल, बहुत जो है वो फास्टली ट्रेवल करेगी, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड ऑफ मास, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मास, या व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। तो स्टैंडर्ड ऑफ मास, स्टैंडर्ड ऑफ मास किलोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय केजी। इट्स मीन यू गिवन एनी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ग्राम, यू कंपेयर विद स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मास, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मास इज किलोग्राम, एंड यू कंपेयर द हाउ मेनी टाइम इट इज बिग और स्मॉल विद स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मास। ये है आपके पास मेजरमेंट बेसिकली। तो अगर आप मास को आप कैलकुलेट करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ मास क्या है बेटा? किलोग्राम, ठीक है। एंड देन थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, एंड थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम? द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज सेकेंड, द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज सेकेंड, यानी कि आप टाइम के जो स्टैंडर्ड है, जो टाइम की कैलकुलेशन है, जो टाइम का यूनिट है इन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में, वो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो वो क्या है बेटा? दिस इज अ सेकेंड। तो अगर आपके पास टाइम गिवन है इन द फॉर्म ऑफ आवर्स, इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स,
एंड यू विल कन्वर्ट इन टू सेकेंड. तो इट कंपेयर द स्टैंडर्ड वैल्यू इट सेकेंड एंड हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ बिग और स्मॉल. तो वो आप देखेंगे कितनी बिग है और कितनी स्मॉल है स्टैंडर्ड वैल्यू से. स्टैंडर्ड वैल्यू और टाइम इज सेकेंड. तो बेसिकली मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या आपके समझ में आई जो मैंने तीन एग्जांपल आपके सामने दिए हैं कि हम हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू से उस गिवन वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि वो कितनी बिग है और कितनी स्मॉल है और फिर उसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे. तो याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड में ही हम तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे और फिर अपने कैलकुलेशन हम अपने लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं. तो स्टैंडर्ड ऑफ मास किलोग्राम, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ इज मीटर एंड स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज सेकेंड. ठीक है, नाउ वी मूव एन अदर टॉपिक फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज एंड व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज. अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे मैंने आपको कहा कि टाइम, मास, लेंथ, ये सब फिजिकल क्वांटिटी हैं. अब ये फिजिकल क्वांटिटी किन चीज़ों किस तरह से एक्सप्रेस की जाती हैं, दे आर टू वे. आपके पास यहाँ पे टू वे हैं, टू मेथड हैं इसमें आप इनको डिस्क्राइब करते हैं. नंबर वन इज फिजिकल क्वांटिटीज फॉर एग्जांपल मास, फॉर एग्जाम्पल लेंथ एंड टाइम. अब फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो आपकी किस तरह डिवाइड होती हैं, डिवाइड कैन बी टू डिफरेंट पार्ट्स. नंबर वन फंडामेंटल यूनिट्स, एंड सेकेंड वन इज ड्राइव यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स ये आपके फिनोमेने हैं जिससे आप फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे. क्या फिजिकल क्वांटिटीज को आप किस तरह मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल मास है तो फिजिकल क्वांटिटी मास है, किलोग्राम जो है वो होगा यूनिट, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, मीटर होगा यूनिट एंड टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड इट इज अ यूनिट ऑफ टाइम. इट्स मीन इट इज अ यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. रिमेनिंग रिमेंबर या आपने ये बात याद रखनी है कि मास जो है बेटा वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा और किलोग्राम फिजिकल क्वांटिटी कभी नहीं कहलाएगा. किलोग्राम को हम क्या कहेंगे, इट कंसिडर इज अ यूनिट ऑफ मास. नाउ देयर आर सेवन फंडामेंटल यूनिट्स, सेवन फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो आपके लिए फिक्स हैं सिस्टम में हमारे पास. उसके जो आगे इंक्रीज हो रहे हैं वो आपके पास फिर ड्राइव फॉर्मेशन में जा रहे हैं. अब वो फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं, अच्छा फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं वो आपके हम ये कह सकते हैं जो स्टार्टिंग आपके यूनिट हैं उनके हम फंडामेंटल यूनिट्स कंसीडर करते हैं. फंडामेंटल से जो यूनिट ड्राइव होते हैं उन्हें हम कहते हैं ड्राइव यूनिट्स. तो फर्स्ट विल राइट द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स, एंड ड्राइव यूनिट्स. अब फंडामेंटल के अंदर आपके पास क्या चीज़ आएगी, अब वो चीज़ जो हम वो यूनिट है जो हम एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. इट इज यूज टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज. अब वो यूनिट जो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स. और जो इससे ड्राइव होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ड्राइव यूनिट्स. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक फंडामेंटल मैं आपसे बात करूँ यूनिट या फिजिकल क्वांटिटी की बात करूँ. फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी मैंने कंसीडर की अपने पास, फॉर एग्जांपल मास.
फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी मास है, उसके यूनिट क्या है, किलोग्राम से कॉल फंडामेंटल यूनिट्स। अब जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके पास, ड्राइव यूनिट्स। इट ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, ये ड्राइव होंगे कहाँ से, फंडामेंटल यूनिट से। यानी कि आप फंडामेंटल यूनिट जो आपके मौजूद हैं उनसे जो फर्दर यूनिट हम बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो ड्राइव फॉर्मेशन में जाना शुरू हो जाएंगे। इट्स मीन ये आपके पास बेसिक यूनिट कहलाएंगे। सिंपल अगर बात करें तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिक यूनिट। और ये जो आपके पास ये बेसिक नहीं है, यानी कि ये ड्राइव हो क्या रहे हैं, ड्राइव, ये ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने, इसमें आपको कहा कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और फिर उसके बाद डिवाइड होकर वो ड्राइव यूनिट्स के फॉर्मेशन में जाना शुरू हो जाते हैं और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं और ड्राइव यूनिट्स क्या हैं, उसका एक प्रॉपर टेबल आपकी बुक में मौजूद है कि SI बेस यूनिट और सम ड्राइव यूनिट्स। तो मैं कुछ थोड़ा सा आपको मेंशन करूंगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल कि किस तरीके से आप उसको मेंशन करना है कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगे और ड्राइव यूनिट्स क्या होंगे। तो सर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके मेजरमेंट क्या थी, कि मेजरमेंट का मतलब यह था कि आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ के स्टैंडर्ड से आप उसको कंपेयर करवा रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम इट बिग और स्मॉल, कि वो स्टैंडर्ड से कितनी छोटी है और स्टैंडर्ड से कितनी बड़ी वैल्यू है, उसे हम कहते हैं मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के तीन स्टैंडर्ड मैंने आपको दिए, नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम। अब वो स्टैंडर्ड आपके पास आ गए, एंड देन वी डिस्कस अबाउट दी फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स, कि इट यूज टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल मास, मैं मास लिखना नहीं चाहता, मैंने मेंशन कर दिया किलोग्राम। किलोग्राम इट रिप्रेजेंट दी मास, तो किलोग्राम जो है वो मास को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स मीन एक्सप्रेस कर रहा है फिजिकल क्वांटिटीज को, तो इसे आप कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। फॉर एग्जांपल सेकंड, सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम, इट्स मीन इज एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी, टाइम, ये बात होगी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की जगह पे आ जाएंगे। यानी कि आप मास लिखेंगे, आप लिखेंगे किलोग्राम, आपने मेंशन कर दिया सेकंड, आपने मेंशन किया मीटर, इट्स मीन लेंथ। तो ये दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, और जो फंडामेंटल से ड्राइव होंगे दिस इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बेटा उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अपने ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।